चलिए गाइस, तब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आई स्पाइरल इज मेड अप द सक्सेसिव सेमी सर्कल। जैसे आप देखो डायग्राम आप अपनी बुक में देख लेना और आपको पता ही हो क्या डायग्राम है। तो आई स्पाइरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, ए से लेके बी तक, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2, डैश। जैसा कि फिगर में गिवन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। सो देखो आपके सिंपल सी सीरीज क्या बन रही, 0.5, 1.0, 1.5 और यहाँ पे 2.0 और डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ए की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0.5 मीटर हो रही है। डी की वैल्यू क्या होगी, वही आपका 1 - 0.5, दैट मीन्स आपका 0.5। और जो डी की वैल्यू हो गई यहाँ पर, जो एन टोटल उसने कितना बोला, 13 बोला है। कितना बोला उसने, 13 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब मुझसे टोटल लेंथ पूछी गई है, क्या बोला, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल सच मेटअप। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी सर्कल होता है तो सर्कल का अगर मुझे लेंथ पता करना है तो मतलब उसका सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो जो सेमी सर्कल होता है उसका क्या होता है, πr। तो आपका जो सम होगा टोटल, जो आपका टोटल, जो टोटल लेंथ आपकी होगी वो क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जो होगी वो तो पाई और इनटू में एसआर, मतलब यहाँ पे सम ऑफ रेडियस का हो जाएगा। टोटल जितनी भी रेडियस है उनका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम फार्मूले पाई ऐसे ही रहने दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एसआर आर फॉर रेडियस लिखा है, तो आप उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। हमें नंबर टोटल पता है 13 है ना, 13 वाई टू, टू ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 प्लस एन की वैल्यू 13 - 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई, और ये 13 वाई टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 को मल्टीप्लाई टू करें तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 13 में से बन जाएगा 12, तो 12 5 6, तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ इसको आगे सॉल्व यहाँ कर देता हूँ मैं। तो आप देख रहे होंगे पाई की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 22/7, ये लिखा है 13 वाई टू, और ये 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 1 2 2 1 2 कितना हो गया आपको, 11 × 13, 13 1 13 कैरी आया 1, 13 1 13 और 1 14, तो 143 सेंटीमीटर है। तो टोटल इसके लेंथ कितना हो गया, 143 सेंटीमीटर हो गया गाइस। सिंपल क्वेश्चन है।